अस्सलामुअलैकुम, किचन विद फरिया बलोच के साथ मैं हूँ यूट्यूब पर फरिया बलोच। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को, जो कि यूट्यूब पर किचन विद फरिया बलोच के नाम से है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल सके। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम व्यूवर्स जो मुझे जहाँ से भी देखते हैं, उनके देखने का बहुत शुक्रिया और मेरे साथ कनेक्ट रहने का बहुत शुक्रिया। और सबके लिए दुआगो हूँ अगेन कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हर नागहानी आफत और मूजी बीमारी से बचाए और सबके रिस्क हलाल में बरकत दे और हासिदों के हसद से ज़रूर बचाए, आमीन। तो आज जो है मेरे किचन में कुकिंग नहीं हो रही है और आज मेरे घर में हो रही है थोड़ी सी आपके साथ ग्रॉसरी जो है शेयर। आज हम गए थे, आज फ्राइडे है यहाँ पर, तो आज हम थोड़ी ग्रॉसरी करके आए हैं क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले भी कुछ सामान ले आए थे लेकिन जाहिर है खाना पीना तो ज़िंदगी है तो चलता रहता है। तो ये थोड़ी सी ग्रॉसरीज़ लाई हूँ और करेंगे थोड़ी सी प्यारी सी बच्चों के साथ मिलके टी पार्टी, तो वो भी शेयर करेंगे। तो पहले आपको दिखाते हैं अपने ग्रॉसरीज़, दुआ कीजिएगा रिस्क हलाल में बरकत के लिए और मेरी भी दुआएँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर हमने राइस लिए हैं, ये मिलते हैं फलक के, काफ़ी अच्छा होता है बासमती राइस, इसका फलक एक्सट्रीम के नाम से मिलता है और ये मैं बहुत सालों से यूज़ करती हूँ और ये मेरा बहुत फेवरेट है। तो बस मैं यही लाती हूँ बासमती में, सेला में यहाँ पर एक जो है सुपरमार्केट, उसका ये राइस बहुत अच्छा होता है और सेला भी मैं यूज़ करती हूँ। और जिस चीज़ में सेला यूज़ करती हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है हमने बच्चों के लिए कुछ जूस लिए हैं, तो ये जूसेस के पैकेट्स ले आई हूँ मैं। अच्छा, ये यहाँ पर मेरे छोटे बेटे की फेवरेट नंदूस पेरी पेरी सॉस हॉट, ये लेकर आए हैं मेरे साथ जाकर। तो ये भी हम अभी टी पार्टी करेंगे तो ये उसमें जो है दिखाएंगे आपको कि इसका फ्लेवर कैसा होता है, बहुत मज़े का होता है। तो अच्छा, यहाँ लाई हूँ मैं दालचीनी, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और गुड़। अच्छा, दालचीनी और गुड़ जो आज मैं लाई हूँ ना, और मैं हल्दी भी लाई हूँ, जो वो खालिस वाली होती है ना जो कूट के करते हैं, वो अंदर रह गई है। तो आज मैं ये एक ख़ास मकसद के लिए लाई हूँ। आप जो है दालचीनी और गुड़ का जो है ना आज के दिनों में, और थोड़ी सी दो तीन काली मिर्चें डाल के कहवा पिएँ इसका ना, तो ये इस चीज़ के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और इंजीर का भी इस्तेमाल रखें थोड़ा सा, हो सके तो जो साहिब इस्तेमाल लोग हैं वो इंजीर का इस्तेमाल भी रखें। तो ये कहवा बनाएं दालचीनी गुड़ और शक्कर जो है सफ़ेद थोड़ा यूज़ कम करें, उसकी जगह आप थोड़ा ब्राउन शुगर और गुड़ यूज़ करने का जो है अपनी जैसे चाय में और जो भी आप उसको थोड़ा यूज़ करें आजकल। अच्छा, दाल लाई हूँ, दालें थी मगर मैं थोड़ी ले आई हूँ, एक मसूर की है और एक हमारी जो मूंग की दाल होती है जो मिक्स करके हम बनाते हैं, इसकी रेसिपी मैं बना चुकी हूँ, आप लोग ज़रूर देखें मेरे चैनल पे तड़का दाल के नाम से है। अच्छा जनाब, अब ऐसा करते हैं थोड़ा हम अपना रुख चेंज कर लेते हैं। तो एग्स ट्रेली है फ़िलहाल। अच्छा, ब्राउन शुगर लाई हूँ मैं इसी मकसद के लिए, गुड़ भी लाई हूँ और ये मैं थोड़े से वो लाई हूँ कलर्ड हमारे जो है पर्ल्स होते हैं ना, ये दिख रहे हैं बहुत प्यारे हैं, बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह तो इस पर डेकोर करूंगी। जूसेस हैं, ये गुआवा जूस है अभी शाम के लिए लाए हैं बच्चे, ये पाइनएप्पल नेक्टर है इसका एक पैकेट लिया है, ये मैं मीट टेंडराइज़र रखती हूँ अपने पास लाजमी के, कभी पपीता ना हो तो हम इसे यूज़ कर लें। लाल मिर्चें दो ले आई इसलिए कि कल जब मैं सुपरमार्केट पर गई तो आप यकीन करेंगे किसी ब्रांड का लाल मिर्च मौजूद ही नहीं था दोनों मार्ट पे, और उन्होंने कहा कि लाल मिर्चें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये आज मैं बड़ी मुश्किल से कहीं से लेकर आई हूँ। दूध लाए हैं नूरपुर का, अच्छा होता है इसका भी कार्टन ले आई हूँ। शैम्पूज़ लाई हुई हूँ पॉमोलिव के, ऐसे ही नॉर्मल यूज़ के लिए अच्छे होते हैं ये वाले, ग्रीन भी अच्छा है इसका, ये पर्पल भी अच्छा है। कोक लाए हैं एज़ यूजुअल जो कि पी रहे होते हैं, और यहाँ पर लाए हैं हम एरियल जो हमारा प्यारा सा सर्फ है, एरियल एरियल जो दिन रात ऐड देखते हैं हम, वो ले आए हैं। अच्छा, और अब मैं लाई हूँ, इसको थोड़ा करती हूँ साइड पे, जो हम अपना फ्रोज़न आइटम लाए हैं ना वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, फ्रोज़न में लाए हैं हम, एक तो ये टॉपिंग्स लाई हूँ मैं टिक्का की, बनाती हूँ मैं आपको पता है आई एम अ कुकिंग एक्सपर्ट, लेकिन क्या है कि ऐसी चीज़ें हम कभी इमरजेंसी के लिए रखते हैं कि नहीं बनाने का मूड है कभी या नहीं है चीज़, तो ये आप ऐसा बना के जो निकाल के किसी भी चीज़ में इसकी टॉपिंग कर सकते हैं, पिज़्ज़ा के ऊपर आप अपने नगेट्स सॉरी स्पैगेटी वगैरह पर भी डाल सकते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ें मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर शेयर करती हूँ एक सेकेंड, फ्रीज़र में डाल दी थी।
तो यहाँ पर ये मैं चिकन ले आई हूँ अभी। इस बार मैं इनकी लेकर आई हूँ कढ़ाई कट की ना एनएस की, क्योंकि मार्च पर इतना रश है, आप यकीन करें कि आपका जो है, लाई हुई हूँ मैं गोश्त कुछ रखा हुआ है, लेकिन अभी आज जो चिकन वगैरह चाहिए थी इतना रश है वहाँ पर कि वहाँ खड़े होके लेना बहुत मुश्किल है, तो आज मैं ये ले आई। अच्छा, फिर मैं ये लेकर आई हुई हूँ यहाँ पर, इनके फाइव फिंगर्स होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं बच्चों के लिए। और ये लाए हुए हम यहाँ पर सीख कबाब हैं इनके, ये भी मज़े के होते हैं। चले ये इसको करते हैं अभी यहाँ से क्लियर। और ये दिखाती हूँ मैं, थोड़े से मटर भी फ्रोज़न ले आई हूँ मैं, हालांकि आजकल आए हुए हैं फ्रेश, लेकिन बस स्ट्रॉबेरीज़ लाई हूँ फ्रोज़न, फ्रेश भी आई हुई हैं, मगर बस मैं फ्रोज़न इसलिए लाई हूँ कि फिर ये रखी रहती हैं और हम उन्हें भी स्टोर कर सकते हैं, और थोड़े से फ्रोज़न ले आई हूँ ये। लेकिन क्या है कि अभी बस आज मैं फ्रोज़न ही ले आई हूँ, आज मेरा मूड नहीं था ये ला के ये सब करने का। तो ये है हमारी छोटी सी आज जो हमने ग्रॉसरीज़ की हैं और आपके साथ शेयर की हैं। तो अल्लाह ताला आपके भी रिज़्क़ हलाल में बरकत दे और हमारे भी रिज़्क़ हलाल में बरकत दे। तो इसके बाद करते हैं एक छोटी सी टी पार्टी आप लोगों के साथ, इन्जॉय। Assalamualaikum. How are you guys today? Hope you guys are fine. And this is me, and I'm the daughter of Faria Baloch. Please subscribe to my mom's channel, Kitchen with Faria Baloch. And today we're gonna have a small tea party. So let's start. तो यहाँ पर हो रही है हमारी प्यारी सी स्मॉल सी जो है, मैंने आपको बताया टी पार्टी ग्रॉसरी के बाद। तो आमना से भी मिले आज आप लोग, और इसका भी चैनल है फन विद एंजली के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पहले भी डाल चुकी हूँ आप लोगों को लिंक, तो प्लीज़ उस पर भी जाइए, वरना आपके बच्चों के चैनल हैं तो उनसे सब्सक्राइब करवाइए और इन्जॉय कीजिए इसका कंटेंट भी। तो क्या कर रहे हैं आज हम टी पार्टी में? कुछ भी नहीं ऐसा ख़ास, मैंने आज ये पेटिस बनाए थे, मगर क्या है मैंने सुबह में बना कर रख दिए थे, और उस वक्त मेरे पास कोई कैमरा को जो है बनाने वाला नहीं था, बच्चे उस वक्त सो रहे थे। तो खैर इंशाल्लाह ताला रमज़ान आ रहे हैं तो पेटिस की, और मेरा अभी थोड़ा ओवन भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, तो मैं इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी, ये चिकन पेटिस बनाए मैंने। अच्छा, यहाँ पर ये फायरी फिंगर्स हैं जो कि मैं लेकर आई थी, जूस है, बिस्किट्स हैं, एंड देन ये हमारे पास प्यारी प्यारी सी नंदूस की पेरी पेरी सॉस है जो हॉट है, अभी आमना आपको बताएगी खा के कि ये कितनी हॉट है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई थिंक फायरी फिंगर्स भी हॉट है और सॉस आल्सो हॉट, सो बताए हॉट, टू मच हॉट, टू मच हॉट, यम्मी स्पाइसी। तो इसको आप लोगों ने लेके आना है, बट दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, नॉट स्पॉन्सर्ड। नंदोस के पेरी पेरी सॉस को लेकर आए, बहुत मज़े की है, इसको जो है आप अपनी चीज़ों के साथ बड़े तो बहुत इन्जॉय करेंगे, ज़रूर लाया करें, मज़े की लगती है। तो हम करते हैं इस पार्टी को, जूस इन सब चीज़ों को इन्जॉय, एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो के। तो फिर इंशाल्लाह ताला एक रेसिपी के साथ हाजिर होगी, तब तक फरिया बलोच को इजाज़त दीजिए, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को जो कि यूट्यूब पर किचन विद फरिया बलोच के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।